हरे कृष्णा राधे राधे। हमारे सभी मित्र हमसे कह रहे थे, दीदी आपने गिरिवर का हेयर कैसे बनाया, प्लीज़ हमें दिखाइए। तो ये देखिए, यहाँ गिरिवर का हेयर बनाने के लिए पहले हम गिरिवर के चोटी को नाप कर लेंगे, उसके लंबाई को, उसके चौड़ाई को और उसका जो लेंथ है वो भी हम नाप कर लेंगे। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप सेम प्रोसेस में ऐसे ही उनका हेयर बना सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सेम है। बस आपको ये राउंड का नाप करना है, ये ऊंचाई और ये पूरा लेंथ का नाप अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ एक कपड़ा ले लेंगे जिसे हम राउंड के आकार में कट करेंगे, मतलब गिरी का जो राउंड है वो 3.5 इंच का है। तो 3.5 इंच हमने यहाँ कपड़ा ले लिया है और इसे हम 3.5 इंच के हिसाब से ही कट कर लेंगे। तो आप देखकर समझ सकते हैं, देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी के, आप अपने लड्डू गोपाल जी के जो चोटी है उसके नाप का ही इसे कपड़े को कट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम कपड़े को अच्छे से कट कर लेंगे यहाँ से बीच में। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये हेयर कैसे बनाना है और ये हेयर हमने कहाँ से लिया है और आपको कितने प्राइस में मिल जाएगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। जहाँ पर मूर्ति बनाया जाता है, मिट्टी का मूर्ति वगैरह बनाया जाता है, वहाँ पर ही आपको ये हेयर मिल जाएगा। ये हेयर हमने 30 रुपीज़ का लिया है, बहुत ही कम दाम में ये हेयर आपको बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ मूर्ति बनाने का काम होता है या फिर दुकान में जाकर आप कहीं भी ये हेयर परचेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एक धागा रहता है उस धागे को हम निकाल देंगे पहले अच्छे से। अगर हम धागे को निकाल देते हैं तो ये हेयर पूरा खुल जाता है और ये देखिए कैसे ये लंबाई में बढ़ रहा है। तो अब देखिए, इस हेयर को हम आधे आधे हिस्से में बांट लेंगे। अब जितना आपको लड्डू गोपाल जी का लेंथ चाहिए या लंबाई चाहिए, आप अपने हिसाब से उस हेयर को कट कर लीजिए। हमें तो गिरी का छोटा छोटा हेयर ही अच्छा लगता है, क्योंकि गिरी पे छोटा हेयर ही बहुत ज़्यादा सूट करता है, इसीलिए हम यहाँ गिरी का छोटा छोटा हेयर बनाएंगे। लेकिन आप अपने लड्डू गोपाल जी का कितना लंबा हेयर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल जी का हेयर को कट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, इस हेयर को हम और एक बार कट करेंगे, क्योंकि ये लंबाई में बढ़ने वाला है थोड़ा सा, इसीलिए इसे हम कट कर लेंगे। और ऐसे में भी हमें छोटा छोटा हेयर बहुत अच्छा लगता है और गिरी पे बहुत ज़्यादा ही सूट करता है, इसीलिए हम गिरी के लिए छोटा छोटा हेयर ही बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ हम सारे हेयर को कट कर रहे हैं, आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से ही हेयर को कट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने 8 चोटी ऐसे ही बना लिया है कट करके। अब हम इन सारे हेयर को, ये जो हमने कपड़ा रखा था इसके साइड में, ऐसे एक एक करके रख देंगे और इसे अच्छे से स्टिच करना है। तो चलिए, आप देखते रहे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे हमें इसे अंदर डालना है, तो हम इसे अंदर में डाल देंगे। सारे हेयर को हम अच्छे से ले लेंगे और अंदर में डाल देंगे। यहाँ आप जितना अपने लड्डू गोपाल जी के हेयर को घना करना चाहते हैं उतना हेयर आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले वाले स्टिच को थोड़ा मजबूत कीजिए, लेकिन बाद में जब आप स्टिच करोगे तो उस स्टिच को थोड़ा हल्का से ही आपको करना पड़ेगा। तो ये जो पहला वाला स्टिच है इसे थोड़ा सा हम टाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। और बाद में जो और भी स्टिच हम करेंगे वो हम थोड़ा लूज़ ही करेंगे। तो आप देखते रहें, हम यहाँ पूरा स्टिच कर लेते हैं। स्टिच को ऐसे कीजिए ताकि एक भी हेयर छूट ना जाए, ठीक है, एक भी चोटी छूट ना जाए, ऐसे आपको ये स्टिच करना है अच्छे से। और थोड़ा समय लेकर कीजिए ताकि हेयर अच्छे से स्टिच हो जाए। तो देखिए, यहाँ हमारा स्टिच कॉम्प्लीट हो गया है और अब जो ज़्यादा हेयर है उसे हम कट कर देंगे, कट करके निकाल देंगे। और उसके बाद कपड़े को यहाँ पर अच्छे से
गाटा लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हेयर ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसे ऐसे राउंड करेंगे और यहाँ ऐसे राउंड करने के बाद फिर से हमें यहाँ पर अच्छे से स्टिच लगाना है। ये देखिए, अंदर के साइड में जो हमने स्टिच किया था वो रह गया, और अब दोनों कपड़े को एक साथ लेकर हमें ऐसे ही इसे स्टिच कर लेना है। ये नीचे वाला जो स्टिच है ये थोड़ा हल्के हाथों से देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा अच्छे से इसे स्टिच कर लीजिए ताकि एक भी हेयर छूट ना जाए। तो ये देखिए, हमारा यहाँ स्टिच बिल्कुल कॉम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर हम और एक बार स्टिच कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल खुल ना जाए। और इसे एकदम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमारा स्टिच पूरा कॉम्प्लीट हो गया। अब हम इसे बैक साइड से ही ऐसे एक साथ लेकर स्टिच कर लेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको कैसे करना है। तो आप देखकर समझ सकते हैं कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम एक साथ इन कपड़ों को लेकर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, और एक बार हम ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं और इसे हमने अच्छे से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम इसे राइट साइड में लाएंगे, मतलब ये तो बैक साइड है। ये कपड़ा आप ब्लैक कलर का भी ले सकते हैं, वैसे ये दिखाई नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ ब्लैक कलर या कोई और भी कलर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक कलर लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, हम इसे अब राइट साइड में लाते हैं पूरे चोटी को, और ये ऊपर का हिस्सा हो गया है। अगर आप वीडियो को दो तीन बार अच्छे से देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये हेयर कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ हमारा हेयर हमने अटैच कर दिया है पूरे कपड़े के साथ। अब हम और ये कॉम्प्लीट हो चुका है। अब जो सामने का हिस्सा है ये हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा खाली है और यही सामने का हिस्सा है। तो इसे हमें और भी थोड़ा यहाँ हेयर को जॉइंट करना है, और जॉइंट करने के बाद ही इसे हमें यहाँ पर लगाना है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसे हम स्टिच करेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। तो चलिए, हम इसे अच्छे से अटैच करके स्टिच कर लेते हैं और इसे अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। और हम बहुत ही इजी प्रोसेस में ही आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्केट में तो हमें बहुत सारा हेयर मिल जाता है ठाकुर जी का, लेकिन सदा याद रखिए, अपने हाथों से बनाया हुआ कोई भी चीज़ जब हम ठाकुर जी को देते हैं तो उसमें जो प्रसन्नता है वो और शायद किसी में नहीं है। तो ये देखिए, हमने यहाँ हेयर को पूरा स्टिच करके सेट कर लिया है। अब हम ये जो स्टिच हेयर राउंड राउंड है इसे थोड़ा थोड़ा करके खोल देंगे। तो ये देखिए, जब हम हेयर को खोल देते हैं तो ये कितना ज़्यादा ज़्यादा हेयर बन जाता है। इसके अंदर बहुत सा हेयर रहता है, तो ये खुलता है तो बहुत सारा हो जाता है। तो ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके ही खोल रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा घना ना हो जाए, बस ऐसे ही रहे। आप देखकर समझ सकते हैं ये कर्ल हेयर हमारे ठाकुर जी पर कितना सुंदर लगेगा देखने में, और जब आप अपने ठाकुर जी के लिए भी बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। इस हेयर से तो गिरीशोना बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं और उन्हें देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए, अब यहाँ और एक काम भी है, तो उस काम को करने के लिए पहले हमें हेयर को गिरी के सर में या अपने लड्डू गोपाल जी के
माथे में सेट करना है, मतलब माथे में बिठा कर ही सेट करना है, नहीं तो फिर ये ठीक ठाक नहीं होगा। इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी के सर में पहले इसे बिठा लीजिए और जो सामने का पोर्शन है ये आपको ठीक करना है। तो यहाँ हमने सामने के हेयर को खोल दिया और अब हम इसे थोड़ा सा पीछे के साइड में अटैच कर देंगे। तो चलिए इसे बहुत ही हल्के हाथों से एकदम धागे से हम ऐसे सेट कर देंगे। तो चलिए इसे हम धागे से सेट कर लेते हैं। अच्छे से सुई धागा यूज़ कीजिए ताकि आपके लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ना लगे, और बहुत ही हल्के हाथों से लगाइएगा ताकि बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को चोट ना लगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि अगर हम लड्डू गोपाल जी के माथे में ये हेयर नहीं लगाएंगे तो उनका जो हेयर है ये बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं होगा। इसीलिए किसी और चीज़ में बिठाकर हम ये नहीं कर सकते, इसीलिए हमें गिरी के सर में ही बिठाकर ये काम करना पड़ा। तो आप भी अगर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हेयर बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपके लड्डू गोपाल जी को लग ना जाए, ठीक है। तो यहाँ हम बहुत ही सावधानी से गिरी के माथे में उनका हेयर सेट कर रहे हैं और उनका जो हेयर है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। देखिए गिरी सोना कितने प्यारे से और सुंदर से लग रहे हैं। यहाँ पर हम उनके चोटी में ये मोटा मोटा वाला दाना वाला मोती लगा रहे हैं और देखिए हमारे गिरी सोना कितने प्यारे से लग रहे हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालों में। आज तो आप सबके प्यारे गिरी सोना ने सारा सब कुछ नया नया पहना है, जैसे उनका हेयर भी नया है, उनका ड्रेस भी नया है, उनका जो चूड़ी हम बाद में पहनाने वाले हैं वो भी नया है। तो अब देखिए हम आप सबके प्यारे गिरी सोना कैसे लग रहे हैं और उन पे ये हेयर कैसा लग रहा है हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज गिरी का ये हेयर आप सबको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ हमने गिरी के हेयर को सेट कर दिया है और जो मोटा वाला मोती था उस मोती को हटाकर हमने यहाँ पतला वाला एक मोती उनके हेयर में लगाया है। यहाँ पर आप हमें बताइए कि गिरी को कौन सा मोती ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम उन्हें मोटा वाला मोती दे या छोटा वाला मोती ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आपको बताना है, क्योंकि गिरी सोना तो आप सबके हैं, है ना। और उसके साथ आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि कैसे हमने इसे अच्छे से बनाया, या फिर आप वीडियो को और भी 2-3 बार देख लीजिए तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।